इस वीडियो में हम जो इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है पूर्वी क्लास सिक्स की उसकी यूनिट थ्री पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट थ्री जो है वो नर्चरिंग नेचर के ऊपर है, यानी प्रकृति के पोषण। ठीक है, प्रकृति का पोषण। तो ये पूरी जो यूनिट थ्री है वो आपको नेचर के ऊपर ही देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर नीम बाबा की स्टोरी दी गई है, तो उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ आपको दी है ये आप खुद करना। ठीक है, हम स्टोरी रीड करते हैं और उसको समझते हैं। लेट अस रीड, तो चलो रीड करते हैं। ये एम्बर है और ये नीम बाबा है। ठीक है, एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। एम्बर जो है वो स्कूल से वापस आती है एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मतलब आंगन, और जो उसके आंगन में नीम का पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की छाया में जो है वो नीचे बैठ जाती है, पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ठीक है, शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। और वह फील करती है कि वही जो ये ट्री है वो इस एम्बर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, कुछ कह रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री, और वह इस ट्री की तरफ देखती है एंड स्पोक टू द ट्री, और बोलती है पेड़ से, एम्बर, नमस्ते, आई एम एम्बर। नमस्ते, मैं एम्बर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, और मैं आपसे बात करना पसंद करूँगी। मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ? नीम बाबा, श्योर डियर एम्बर, हाँ क्यों नहीं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, और तुम जो बचपन से तुम मेरी जो छाया है उसके नीचे खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। एम्बर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको हर जगह देखा। ठीक है, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ मुझे आप अपने बारे में कुछ बताएं। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और मेरा जो जन्म है वो कब हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले, समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में और म्यांमार में। ठीक है, सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्दी ही जो मेरी फैमिली है वो इंडिया से बाहर भी फैल जाएगी। फिर आगे एम्बर क्या कहती है, एम्बर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, नीम कहाँ मिलेगा इंडिया से बाहर। नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन, तो नीम बाबा कहते हैं मेरी जो फैमिली है वो बहुत सारे एशियन में मिल सकती है एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिल सकती है एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में मिल सकती है। ठीक है, एम्बर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। फिर वो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा नाम तुम्हें किसने दिया। ठीक है, तो फिर नीम बाबा आगे बताते हैं, नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थाट प्रोवोकिंग, और जो मेरी स्टोरी है वो बहुत ही थाट प्रोवोकिंग यानी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ था एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्ट, और मेरा संस्कृत नेम दिया गया जो कि क्या था, अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब होता है द वन हु क्योर डिजीज़। ठीक है, जो कि बीमारियों का इलाज करता हूँ। निम्बा एंड निम्बक, द नेम नीम इज़ गिवन बाय द ईरानियंस। ठीक है, और नीम को क्या भी बोला जाता है, निम्बा भी बोला जाता है, निम्बक भी बोला जाता है, और जो नीम नेम उसको मिला वो ईरानियों ने उसको दिया था। एम्बर, रियली, सचमुच। नीम बाबा, यस, हाँ,
इन हिंदी माई नेम इज़ निम, हिंदी में मेरा नाम जो है क्या है, निम है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, और इंडिया में मेरे और भी नेम्स हैं, ठीक है, और भी नाम है। तो क्या क्या नाम उसने यहाँ बताए हैं, निम हो गया, लिम्बा हो गया, निमोरी हो गया, निम्बामंड हो गया, निम्बे हो गया एंड निमो, ये सब भी नीम के नाम हैं। एम्बर, यू आर सो वेल नोन, तुम्हें तो सब लोग जानते हैं, दैट इज़ वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नीम बाबा, डियर एम्बर, वी बिकम वेल नोन, वो कहते हैं कि डियर एम्बर, हमें भले ही सब लोग जानते हो, पर वो जानते किस लिए हैं, फॉर व्हाट वी डू, वो जानते किस लिए हैं, पीपल फाइंड अस यूज़फुल, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो उस पेड़, जो नीम का पेड़ है, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, उपयोगी है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे नो अस, तो इसीलिए वो मुझे जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस, साइंटिस्ट जो है वो नीम के पेड़ को अलग अलग नेम से पुकारते हैं। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद, भगवान का दिया हुआ, ठीक है। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, ठीक है, जो नेचर, प्रकृति ने मैन को गिफ्ट दिया हो। एंड क्लीनिनेस पार्टिंग ट्री, सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द ट्री ऑफ द 20th century, और कुछ लोग मुझे 20th century का भी ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट में करेंगे।